नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सक्सेस में आपका स्वागत है। ये आपका आर एस खुरमी का चैप्टर नंबर 2 पे चल रहा है, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें से पिछले वीडियो मैंने कुछ बताया था, आगे की वीडियो में आप देखेंगे। ये प्राइमरी और लाइनर स्ट्रेंथ रेखीय विकृत क्या, इसके पहले के टॉपिक्स कवर हो गए थे पिछले वीडियो में, तो आप इसके बारे में जानेंगे रेखीय विकृत क्या होता है। तो देखिए, डिफॉर्मेशन ऑफ द बार, किसी भी बार का या सलाख का या छड़ का पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्ट ऑफ द फोर्स डेल एल बाई एल इज नोन प्राइमरी और लाइनर स्ट्रेन। कहने का मतलब ये डेल एल बाई एल, इसी से आप समझ जाएंगे रेखीय विकृत क्या होता है। डेल एल को लंबाई में वृद्धि कहते हैं और एल जो है प्रारंभिक लंबाई, यानी लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम रेखीय विकृत कहते हैं। लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम रेखीय विकृत करते हैं। अगर मान लीजिए प्रारंभिक लंबाई 1 मीटर रखी जाए या 1 रख दिया जाए, तो डेल एल का आपका विकृत के रेखीय विकृत के बराबर हो जाएगा। तो यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम रेखीय विकृत करते हैं, या इंग्लिश में प्राइमरी और लाइनियर लाइनियर स्ट्रेंथ बोलते हैं। दूसरा आपका सेकेंडरी और लेटरल स्ट्रेंथ पार्श्व विकृत क्या होता है। पार्श्व विकृत आपका ये होता है कि देखिए, जितना भी डायरेक्ट स्ट्रेस होता है बाई स्ट्रेन इन इट्स कॉमन डायरेक्शन, स्ट्रेस यानी प्रतिबल जो है जिस दिशा में लगता है उसी में जो है विकृत उत्पन्न होती है, लेकिन जो है उसके अपोजिट अपोजिट काइंड ऑफ स्ट्रेन इन एवरी डायरेक्शन, मतलब उसके अलावा चारों दिशाओं में जो है, मतलब हर डायरेक्शन में प्रत्येक दिशा में एक जो है अदर विकृत होती है, जिसे हम पार्श्व विकृत। पार्श्व नाम ही विकृत होता है कि उसके पार्श्विक भाग में कोई भी छड़ हो गया तो केवल उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, उसके पार्श्विक भाग में यानी कि लंबाई चौड़ाई पार्श्विक भाग में भी उसमें कुछ वृद्धि होती है या कमी होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं सेकेंडरी व लेटरल स्ट्रेन। और ये हमेशा जो है क्या होता है राइट एंगल्स टू इट, यानी कि हमेशा लंबवत होता है उसके। पॉइजन अनुपात क्या होता है। देखिए, लेटरल स्ट्रेन पार्श्व विकृत और रेखीय विकृत के अनुपात को हम पॉइजन अनुपात बोलते हैं। पार्श्व विकृत और फिर से रेखीय विकृत के अनुपात को हम पॉइजन अनुपात बोलते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। आयतन विकृत जानिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। तो जैसा कि आप रेखीय विकृत देखें, पार्श्व विकृत देखें, वैसे ही आयतन विकृत है। अब आयतन में वृद्धि और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम आयतन विकृत कहेंगे। इसको आप ऐसे लिखेंगे डेल वी बाई वी। ये देखिए आयतन में वृद्धि है, ये प्रारंभिक आयतन है। अब इसमें एक रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार किसी भाग का जो है, ये लंबाई एल हो और चौड़ाई बी हो और मोटाई जो है टी हो, और फिर से उस पर कोई अक्षीय बल जो है पी कार्य करे, तो उसमें जो आयतन विकृत का मान हो जाएगा डेल वी बाई बी, पी बाई बी टी ई 1 - 2 बाई एम। ठीक है, पी बाई बी टी आपको ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन के बराबर होगा, तो एप्सिलॉन लिख सकते हैं 1 - 2 बाई एम। एप्सिलॉन क्या आपका, एप्सिलॉन जो है आपका विकृत है। ठीक है, 1 - 2 बाई एम, एम को आप नियतांक मान सकते हैं, नियतांक है। बल्क मॉड्यूलस आयतनात्मक गुणांक क्या होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अभिलंब प्रतिकर और आयतनात्मक विकृत के अनुपात को हम आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक या आयतनात्मक गुणांक कहते हैं। इसे हम के से डिनोट करते हैं। आयतनात्मक गुणांक क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल और फिर से आयतनात्मक विकृत के अनुपात को हम आयतनात्मक प्रसार गुणांक कहते हैं। अब इसका मान ऐसे देखिए हो जाएगा आपका, जैसे कोई घन है, क्यूब है, और उसमें जो है ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस मतलब प्रतिबल लग रहा है आपका सिग्मा, तो डेल वी बाई बी ये आयतन विकृत क्या हो जाएगी, 3 सिग्मा बाई ई 1 - 2 बाई एम। अब ये तो हो गया इसमें, वैसे ये बहुत कम पूछता है, मेन चीज़ आपका ये है। यहाँ पे देखिए रिलेशन बिटवीन बल्क मॉड्यूलस एंड एग मॉड्यूलस, यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक और आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक में क्या संबंध होता है। तो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है एम ई 3 m - 2। ई आपका क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, के इक्वल होता है एम ई 3 m - 2। इस पर न्यूमेरिकल फ्री दे देता है, तो इसको आप याद रखेंगे। और यही अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, यंग प्रत्यास्थता कहिए और दृढ़ता गुणांक, ये कर्तन मापांक कहिए, दृढ़ता गुणांक में क्या संबंध होता है, तो सी इक्वल होता है एम ई 2 m + 1 होता है। अगर तीनों में संबंध पूछ दे ई सी एंड के तीनों में, तो
तो ई बराबर होता है 9 kc/3 k+c, 9 kc/3 k+c, ये बहुत एग्जाम में पूछा है तो इसलिए आपको इसको याद रखेंगे। बेरिंग स्ट्रेस या क्रशिंग स्ट्रेस क्या होता है? बेरिंग प्रतिबल, इसको आप रिवेट के माध्यम से समझेंगे। तो ये देखिए, दो दो समझ लीजिए, कोई ये सरफेस है, कोई भी छड़ मान लीजिए, दोनों कांटेक्ट में इसको रिवेट के द्वारा जो है जोड़ा गया है, ठीक है। अब इस रिवेट के माध्यम से इसका जो है व्यास जो है डी है, ये अक्षीय बल पी लगाया जा रहा है विपरीत साइड में, ये दोनों है, ये इन दोनों की ये सरफेस सतहों की जो मोटाई है टी है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए फार्मूले के रूप में, देखिए क्रशिंग प्रतिबल होता है जो बेरिंग प्रतिबल या क्रशिंग प्रतिबल सिग्मा बी और सिग्मा सी प्रदर्शित करेंगे पी बाई डी टी एन। पी बाई क्या होता है? डी टी एन। पी आपका क्या है? पी आपका बल है, अक्षीय बल है, डी जो है रिवेट की रिवेट का व्यास है, टी जो है प्लेट की मोटाई है, और डी टी जो है आपका रिवेट का क्षेत्रफल हो जाएगा डी ओ टी, और एन क्या है? पर पिच लंबाई में रिवेट की संख्या, पर पिच लंबाई में क्या है? रिवेट की संख्या। मुख्य प्रतिबल और विकृत क्या है? तो देखिए, इसको जहाँ पे कर्तन प्रतिबल ना हो वहाँ पे मुख्य प्रतिबल लगता है, इसको ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए आपका है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एनी पॉइंट इन अ स्ट्रेंड मटेरियल, विकृत विकृत की अवस्था में किसी भी बिंदु पर जो है पाया गया है कि देर आर थ्री प्लेन्स, उसमें जो है केवल तीन प्लेन्स होते हैं, तीन तल होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, विच कैरी डायरेक्ट स्ट्रेट्स ओनली, वे जो है केवल डायरेक्ट यानी कि अभिलंब प्रतिबल जो है डायरेक्ट मतलब सीधे प्रतिबल लगाते हैं, एंड नो शियर स्ट्रेस, मतलब कि वहाँ पर कर्तन प्रतिबल नहीं होता है, ठीक है। इन्हीं डायरेक्ट स्ट्रेस को यानी कि सीधा प्रतिबल को हम क्या कहते हैं? मुख्य प्रतिबल कहते हैं। तो इसको आप, और जो तल होता है, जो तल होते हैं उनको हम प्रिंसिपल प्लेन्स या मुख्य तल बोलते हैं। तो देखिए, जहाँ पर मुख्य प्रतिबल लगता है वहाँ पर कर्तन प्रतिबल नहीं होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस तल पर कर्तन प्रतिबल नहीं होगा वहाँ पर मुख्य प्रतिबल लगेगा। एक तल में प्रतिबल, एक तल में अगर कोई वस्तु है, एक तल में प्रतिबल, सीधा प्रतिबल क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? इसको वैल्यू बस समझ लीजिए, और कुछ तो ऐसे पूछता नहीं है इसमें। इसमें मेन इम्पोर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ, प्रूफ की तो कोई ज़रूरत नहीं है, RRB JEE में तो ये आपका केवल ऐसे ही आता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो देखिए, अधिकतम अभिलंब प्रतिबल थीटा बराबर 0, यानी एंगल जो होगा ये थीटा का मान अधिकतम अभिलंब प्रतिबल होगा, और अधिकतम कर्तन या स्पर्श रेखी प्रतिबल के लिए थीटा बराबर 45 या 135 अंश होना चाहिए, ये एंगल जरूर याद रखिएगा। थीटा बराबर 0 जब होगा तो अधिकतम अभिलंब प्रतिबल होगा, और अगर थीटा बराबर 45 या 135 होगा तो अधिकतम कर्तन या स्पर्श रेखी प्रतिबल होगा, बस इसमें यही है। अब परिणामी प्रतिबल यही होता है कि आप ये सिग्मा एन अभिलंब प्रतिबल का स्क्वायर कर दीजिए, कर्तन प्रतिबल का स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए, तो ये सिग्मा आर यानी परिणामी प्रतिबल हो जाएगा, इसका मान ऐसे होगा। ये हर चीज़ों में परिणामी का मान ऐसे ही निकाला जाता है, कोई भी दो बल ले लीजिए F1 F2, F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे इसको। यही अगर दो दिशाओं में प्रतिबल पूछे, दो दिशाओं में, वो तो केवल सिंपल था, तो इसमें देखिए अभिलंब प्रतिबल का मान, और देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझ लीजिए, ये सिग्मा एक्स है, ठीक है, ऐसे लगा है, और सिग्मा वाई है, ऐसे लगा है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स दोनों सीधे प्रतिबल हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यानी लंबवत हैं, तो अभिलंब प्रतिबल सिग्मा एन का मान हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर कर्तन प्रतिबल का मान पूछा जाए तो टाउ बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन 2 थीटा, यही चीज़ ले लेंगे, ये वाला बस कॉस के स्थान पे साइन रख देंगे। परिणामी प्रतिबल का मान निकालेंगे तो सिग्मा आर बराबर सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, वही फार्मूला है, अगर ये दोनों चीज़ रखेंगे तो आपका इतना चीज आएगा, सिग्मा एक्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर सिग्मा वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर यही आपका टाउ मैक्सिमम पूछ दे,
यानी कि अधिकतम कर्तन प्रतिबल पूछते तो साइन टू थीटा हट जाएगा, यानी कि बचेगा आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। यानी कि अब मान लीजिए साइन टू थीटा बराबर एक रखेंगे तो एक साइन 90 अंश का मान होता है, तो साइन से साइन कटेगा, टू थीटा बराबर 90 आ जाएगा, एंड टू से जब 90 काटेंगे 45 अंश। वही चीज़ मैंने पिछले पीछे के सेशन में बताया था। तो अगर उसी में जो है एक कर्तन बल आ जाए, अब देखिए सिग्मा एक्स लगा है, एक सिग्मा एक्स है और इसके पास एक कर्तन प्रतिबल है, यानी सिग्मा वाई नहीं है, दूसरा सीधा प्रतिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो अधिकतम अभिलंब प्रतिबल होगा सिग्मा एन या मैक्सिमम सिग्मा एक्स बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, इसको ऐसे ही याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फार्मूले सारे सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब इसमें मिनिमम भी हो जाएगा, मिनिमम आपका ये हो जाएगा, प्लस के स्थान माइनस कर देंगे, सिग्मा एक्स बाई टू माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। और यही अगर आपका अधिकतम कर्तन प्रतिबल पूछे तो आप जो है सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम घटा करके हाफ कर लेंगे, तो आप हाफ करेंगे तो ये आपका जो ये पहला वाला हिस्सा है कट जाएगा, केवल यही वाला बचेगा, यानी कि अंडर रूट सिग्मा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो इतना आ जाएगा, बस ये याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए अगर अब इसमें दो सीधे प्रतिबल ला दिया है, सिग्मा एक्स हो गया, सिग्मा वाई, और एक जो है कर्तन प्रतिबल, यानी दोनों आ गया, बस वही चीज़ सेम है। देखिए अब अधिकतम अधिकतम आपका ये अभिलंब प्रतिबल सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। फार्मूला वही है, बस इसमें जो है सिग्मा वाई को जोड़ दिया गया है, ठीक है। सिग्मा एक्स उसमें सिग्मा एक्स बाई टू था, तो इसमें सिग्मा वाई को जोड़ देंगे और अंडर रूट वाले में इसको घटा देंगे, सिग्मा वाई को अधिकतम हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, यानी सिग्मा मिनिमम के लिए कहेगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, या प्लस है तो माइनस कर देंगे, सारा चीज़ सेम रहेगा ऐसे। और अधिकतम अगर कर्तन प्रतिबल पूछे तो मैक्सिमम इसमें मिनिमम को घटा करके हाफ कर देंगे, तो आपका यही अंडर रूट वाला हिस्सा बचेगा, यानी कि अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इस पर देखिए न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आज के बस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कुछ और वीडियो में जो है ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं मैं जो है एक एक करके बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।